व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी करने की मांग। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के विज्ञान के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आज बेरोजगार एकीकृत संघ बैनर तले अभ्यर्थियों ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए आरपीएससी चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की है कि परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम जारी नहीं होने की वजह से उन्हें मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले साल जनवरी 2020 में माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के तहत 20 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई थी। इन 20 में से 18 विषयों का अंतिम परिणाम जारी कर विभाग द्वारा स्कूल व्याख्याताओं को विद्यालयों में पद स्थापित किया जा चुका है। जीव विज्ञान विषय पर 7 माह से न्यायालय की रोक के कारण अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। न्यायालय ने अंतिम परिणाम से रोक हटा ली है, तो न्यायालय द्वारा रोक हटाने के बाद अब आयोग को भी जल्द से जल्द परिणाम जारी करना चाहिए। नवभारत समाचार, अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। समस्या को लेकर यहाँ आए हैं और क्या आश्वासन आपको दिया? देखो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो 621 पदों पर पिकअप लिस्ट जारी होनी थी, उस संबंध में आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। साथ में जो स्कूल व्याख्याता जो बायोलॉजी विषय का जो परिणाम जारी होना है, उसके संबंध में बात रखी है। आरएस भर्ती 2021 के बारे में, SC FRO के आंसर की के बारे में बात रखी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामला प्रोसेस में बहुत जल्द वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के आंसर की जारी हो जाएगी। बायोलॉजी के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी कॉपी मांगी है, और अन्य जो आरएस भर्ती उनके लिए कहा थोड़ा सा समय लगेगा, कि हमारे पास जो वहाँ से अभिशंसा आने के बाद उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए थोड़े से समय के लिए कहा। लेकिन बात ऐसी है कि जो एक तरफ मुख्यमंत्री जी इनको सचिव साहब को एक कमेटी में सदस्य बनाया कि भर्ती प्रक्रिया में देरी ना हो, दूसरी तरफ जब 24 तारीख को ही जब बीकानेर के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की 621 पदों के फॉर्म आ चुके थे, फिर भी अभी तक उसकी 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सूची जारी नहीं हुई है, तो इसमें बेरोजगारों में आक्रोश था। आज हमने प्रदर्शन किया और मांग की है, और उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द जारी होगा। यदि जल्द जारी नहीं होता है, हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि 7 दिन में नहीं होता है तो हम वापस बड़ी संख्या में RPSC का घेराव करेंगे। कितने अभ्यर्थी अभी परेशान हो रहे हैं, क्या मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है? देखो, इसमें 621 वो परिवार हैं जो इंतजार 2018 से कर रहे हैं, बहुत परेशान है। बार बार RPSC बीकानेर जब चक्कर काट रहे, कभी फॉर्म कम पड़ जाते कि पूरे फॉर्म ने पूछा है, कभी क्या, तो बार बार चक्कर काट रहे। उनकी मानसिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। वहीं बायोलॉजी का हो, चाहे नई आरएस भर्ती की इंतजार विज्ञप्ति का इंतजार करने वाले हो, चाहे वो SC FRO के आंसर की का मामला हो, इन तमाम लोग भर्तियों को लेकर बेरोजगार परेशान है। हम कह रहे हैं भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करो, तमाम बेरोजगारों को जल्द से जल्द राहत दे, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और यदि नहीं मानेंगे तो बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे।